वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के इस लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना के वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ यानी कि गणित की पाठ्य योजना, जो कि आपके कक्षा 3 के लिए है। काफ़ी आसान यहाँ पे टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज। तो आज की अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को लाभ मिलता है इस वीडियो से, और ऐसी वीडियोज़ अगर आप लोग डेली बेसिस पर देखना चाहते हैं, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सिर्फ बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। अगर आपके कॉलेज में फाइल बनी बनाई मिलती है, बस आपको उसमें फिल करना है, लिखना है, तब तो सही होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आपके कॉलेज वाले फाइल एकदम सादी सादी देते हैं, तब आपको थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी जाती है, जिसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एक चीज़ बताता हूँ। तो सबसे पहले जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे, उसके बीचों बीच इस तरीके से आपको पाठ्य योजना लिखना है। दोनों नहीं लिखना है, जैसे पाठ्य योजना लिखा गया या फिर लेसन प्लान, तो जो भी आपके कॉलेज में कहें पाठ्य योजना लिखने के लिए, तो पाठ्य योजना लिखिएगा, उसके सामने नंबरिंग कर दीजिएगा 1, 2, 3, 4 जो भी नंबर होगा इस तरीके से। नेक्स्ट आपको अपना नाम लिखना है, यानी कि शिक्षक प्रशिक्षु का नाम लिखना है, नेम ऑफ द टीचर ट्रेनी, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे नामांकन संख्या लिखनी है, इनरोलमेंट नंबर लिखना है, जिससे ये पता चले कि एग्जामिनर को आपका रोल नंबर क्या है। अगर आपके कॉलेज वाले ये सब चीज़ें लिखने के लिए नहीं कहते हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया, देखिए पाठ्य योजना 8, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से तो सारे कॉलेज में करते ही करते हैं। विषय है आज का हमारा गणित का, क्लास है 3rd, विद्यालय का नाम लिखना होता है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे, दिनांक लिखना है यानी डेट लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कालांश लिखना है, कालांश का मतलब होता है चक्र, इसका मतलब होता है कालांश को ही चक्र कहते हैं, ये कंफ्यूज मत होइएगा। कालांश का मतलब होता है किस पीरियड में आप जाएंगे, जैसे फर्स्ट में गए तो यहाँ पे फर्स्ट लिख दीजिए, सेकंड में गए तो यहाँ सेकंड लिख दीजिए, थर्ड में गए थर्ड लिख दीजिए। इसी तरीके से जिस पीरियड में आप जाएंगे उसका नाम यहाँ पर लिखना है। समय अवधि है, यानी कि समय आपको मिलेगा 40 मिनट का, आपको जितना समय मिलेगा 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, उसको लिखिएगा यहाँ पर। और जो हमारा आज का प्रकरण है वो है गुणा यानी कि मल्टीप्लीकेशन। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में भी आसानी हो। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आता है यहाँ पे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय क्या है, गणित। तो गणित विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या क्या सिखाना चाहते हैं, उनको क्या बताना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें सामान्य उद्देश्य में कम से कम 3 से 4 पॉइंट, 5 पॉइंट तक और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है, छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है, छात्रों में विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास करना। थर्ड पॉइंट है, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा पॉइंट है, छात्रों में गणित के व्यवहारिक प्रयोग की क्षमता पैदा करना। ये तो हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। अगली हेडिंग आती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आप देखेंगे कि जब बड़े बच्चों के लिए लेसन प्लान बनाते हैं आप, जैसे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो वहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य कम से कम 2 से 3 पॉइंट लिखना होता है। आपको 2 से 3 कम से कम विशिष्ट उद्देश्य लेके चलना होता है अपना। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, प्रकरण गुणा, तो उसी तरीके से विशिष्ट उद्देश्य में उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या क्या सिखाना चाहते हैं, क्या उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में लिखना होता है। तो जब बड़े बच्चे हों तो आप 2-3 विशिष्ट उद्देश्य लेके चल सकते हैं, लेकिन जब छोटे बच्चे हैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के, तो कोशिश करिए कि एक विशिष्ट उद्देश्य लीजिए और वो चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते वो विशिष्ट उद्देश्य पूरा करने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे देखिए, छात्रों को गुणा से परिचित कराना, ये आपका विशिष्ट उद्देश्य है। यहाँ पे अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री का मतलब ये होता है कि जिस सामग्री की आप सहायता लेते हैं शिक्षण कार्य करने के टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए लिया गया है तीलियाँ, जो माचिस की तीलियाँ होती हैं, और पहाड़ा का चार्ट। पहाड़ा का चार्ट ले जाइए अपने साथ और माचिस की तीलियाँ ले जाइए। पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र पहाड़ा जानते हैं। ठीक, अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, प्रस्तावना। प्रस्तावना में यहाँ पे जो आप लोग छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए ध्यान में रखते हैं कि क्रमबद्धता होनी चाहिए, कम से कम 5 प्रश्न पूछने होते हैं, तो यहाँ पे उन चीज़ों को ध्यान में रखें या ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। अगर ध्यान रखेंगे, कठिन प्रश्न बन गया आपका, तो छोटे बच्चे हैं, आपके प्रश्न के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए यहाँ पर उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर ढिलाई दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉलम बनाया गया है, एक तरफ है छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, लड़के हैं तो छात्राध्यापक, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया, और दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। ठीक, अब यहाँ पे बच्चों से पहले प्रश्न पूछेंगे, बच्चों 2 का पहाड़ा सुनाओ। बच्चे बोलेंगे 2 × 4 × 8 × 16, यहाँ पे सॉरी 2 × 2 × 2 × 4 × 3 × 6 × 4 × 5 × 10 × 6 × 8 × 14 × 2 × 8 16 × 9 × 18 × 2 × 20। उसके बाद
दूसरा प्रश्न बनेगा, अब यहाँ पे क्रमबद्धता का ध्यान नहीं रखा गया, देख लीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। एक टॉफ़ी का दाम 2 रुपये है, तो 2 टॉफ़ी का दाम क्या होगा? तो यहाँ पे दो, एक टॉफ़ी का दाम 2 रुपये है, तो 2 टॉफ़ी का दाम बच्चे बता देंगे 4 रुपये, जोड़ना तो आता है उनको। अब यहाँ पे एक तीसरा प्रश्न आएगा, एक टॉफ़ी का दाम 2 रुपये है, तो 14 टॉफियों का दाम क्या होगा? अब एक एक करके 14 बार तो जोड़ना बहुत कठिन हो गया काम, छोटे बच्चे ही हैं, तो ये प्रश्न हो जाएगा उनके लिए समस्यात्मक, उनको गुणा तो आता नहीं। समस्यात्मक प्रश्न जैसे ही होगा, आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है। देखिए यहाँ पे उद्देश्य कथन लिखा गया है, बच्चों आज हम सरल गुणा विधि का अध्ययन करेंगे, ये हो गया उद्देश्य कथन। अब फिर आगे की वीडियो देखने से पहले बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो अभी तक, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, यहाँ पे नीचे वीडियो के नीचे, वहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन पे, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। आदर्श प्रश्न है, आदर्श प्रश्न में क्या किया जाता है, कुछ एक प्रश्न पूछा जाता है जिससे बच्चों के अंदर गुणा का जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको डेवलप किया जा सके। यहाँ पे एक प्रश्न था, एक टॉफी का मूल्य 2 रुपये है, तो 14 टॉफियों का मूल्य कितना होगा? तो क्या करेंगे, 14 में 2 से गुणा कर देंगे। तो 14 में 2 से गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा 4 में होगा तो क्या आएगा, 8, और 2 का गुणा 1 में होगा तो आएगा 2, यानी कि 14 टॉफियों का दाम हो जाएगा 28। यहाँ पे उसको हल किया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में देखिए, अभ्यास कार्य, अभ्यास कार्य में क्या करना है आपको, कुछ प्रश्न देने हैं बच्चों को अभ्यास के लिए, क्लास के लिए ही, जिससे बच्चों का जो कन्फ्यूजन हो वो क्लास में ही दूर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 3 प्रश्न दिया गया, 13 गुणे 3, 12 गुणे 3 और 11 गुणे 4। या जब 13 गुणे 3 करेंगे, 3 का गुणा 3 में होगा 9 आएगा, 3 का गुणा 1 में होगा 3 आएगा, 39 हो गया। और यहाँ पे 3 का गुणा 2 में हो गया 6 और 3 का गुणा 1 में 3, 36 हो गया। यहाँ पे 4 का गुणा 1 में 4 और 4 का गुणा 1 में 4, यानी 44 हो गया। तो ये आदर्श प्रश्न के बाद आपको अभ्यास कार्य भी कराना है। अभ्यास कार्य कराने के बाद बच्चों को कोई भी अगर कठिनाई हो तो उनको तुरंत दूर कर दीजिए उस कठिनाई को वहीं पे। नेक्स्ट अब आता है यहाँ पे आपका श्यामपट कार्य। श्यामपट कार्य में जो आपने अभी पढ़ाया है, जो उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारी चीज़ें श्यामपट पर लिख दीजिए, जिससे बच्चे अगर अभी तक कोई जो चीज़ पढ़े हैं उनको दिक्कत हो रही कोई चीज़, तो श्यामपट से आराम से आसानी से वो उतार सकें अपनी नोटबुक में। तो यहाँ पे देखिए श्यामपट कार्य, अभ्यास कार्य के प्रश्नों के आदर्श हल छात्राध्यापक द्वारा श्यामपट पर लिखे जाएंगे, जिससे किसी बच्चों को अगर दिक्कत हो रही है हल करने में तो वो आसानी से वहाँ से उतार सके। नेक्स्ट आता है निरीक्षण कार्य। जब छात्र श्यामपट पर लिखे अभ्यास कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे होंगे, तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्य का निरीक्षण तथा समस्याओं का निराकरण करेगा। ये हो गया आपका निरीक्षण कार्य। लास्ट में आता है आपका होमवर्क यानी गृह कार्य। गृह कार्य में बच्चों को घर से करके लाने के लिए कुछ ऐसे कार्य दीजिए जो आपने पढ़ाया क्लास में, और जो आपका उद्देश्य था आज का, विशिष्ट उद्देश्य जो था, विशिष्ट उद्देश्य था बच्चों को गुणा सिखाना, तो अब गुणा बता दिया है आपने क्लास में, अब उसी से रिलेटेड बच्चों को घर से करके लाने के लिए प्रश्न दे दीजिए। तो यहाँ पे 3 प्रश्न देखिए दिया जाएगा, लिखा गया है छात्रों निम्नलिखित प्रश्नों को छात्रों से हल करके लाने को कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 प्रश्न दिया गया, 11 गुणे 5, 14 गुणे 2, 13 गुणे 2। ये हो गया आपका गृह कार्य। तो अगर आप बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो फिर बताइएगा, अगर कुछ कमी लगी हो तो भी बताइएगा, मैं आगे वाली वीडियोस में उसको सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा। और अगर इस वीडियो की आप लोगों को PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैं वीडियो के लिंक के नीचे, जैसे अभी वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जिससे कुछ बच्चों को वीडियो देखना है तो वो भी देख सकते हैं, उसी के नीचे जस्ट इसकी PDF का इसी नेम से, जैसे गुड़ा की पाठ्य योजना है तो गुड़ा पाठ्य योजना के नाम से वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो कभी भी अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में और सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।